स्वास्थ्य विभाग में आए दिन कोई ना कोई नया मामला उजागर हो रहा है। एक नर्सिंग ऑफिसर का अवकाश आवेदन स्वीकृत नहीं करने पर महामंत्री के नेतृत्व में आए भाजपा नेताओं ने हंगामा कर दिया। भाजपा नेताओं ने सीएमएचओ पर स्टाफ नर्स का अवकाश स्वीकृत करने के लिए 30,000 रूपए मांग करने का आरोप लगाया है। कलेक्टर कार्यालय में एडीएम व एसडीएम के समक्ष नारेबाजी करते हुए सीएमएचओ को खरी खोटी सुनाई। हालांकि सीएमएचओ ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। जिला अस्पताल में पदस्थ नर्सिंग ऑफिसर प्रीति तिवारी ने 6 माह की चाइल्ड केयर लीव के लिए 20 दिन पहले आवेदन दिया था। एक बार सीएमएचओ कार्यालय ने त्रुटि बताकर आवेदन वापस कर दिया था। इसके बाद उन्होंने दोबारा आवेदन किया, लेकिन अवकाश स्वीकृत नहीं किया गया। आरोप है कि प्रीति तिवारी से अवकाश स्वीकृति के लिए 30,000 रूपए मांग लिए गए। जब यह बात भाजपा महामंत्री राजेश यादव के पास पहुंची, तो वह अपने साथी अजा मोर्चा जिला अध्यक्ष संजय दामा, पूर्व पार्षद मनीष सेन व अन्य कार्यकर्ताओं को लेकर सीएमएचओ कार्यालय पहुंचे। सीएमएचओ डॉक्टर एमपी शर्मा उनसे बात करने के बजाय यह कहकर आगे बढ़ गए कि उन्हें कलेक्टर कार्यालय जाना है। बस फिर क्या था, भाजपा नेता भी सीएमएचओ के पीछे पीछे कलेक्टर कार्यालय पहुंच गए। उन्होंने एडीएम महेंद्र कवचे से शिकायत की और छुट्टी का आवेदन दिया। वीसी में बैठे सीएमएचओ को बाहर बुलाया और फिर भाजपा नेताओं व शर्मा के बीच जमकर बहस हुई। आपको सस्पेंड करना पड़ेगा बिहार सरकार। नहीं, ये कोई मेरी बात सुनो, कोई भी बात करे, क्या करेगा, अंदर जाएगा ना, अंदर। अरे भ्रष्टाचारी की क्यों है? सीएमएचओ ने कहा, भाजपा नेताओं के निराधार है। मेरे कार्यालय को स्टाफ नर्स का अवकाश आवेदन आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ है। उसके द्वारा सिविल सर्जन कार्यालय में आवेदन दिया गया था। उसे किसने पैसे की मांग की, यह नहीं बताया गया है। मैंने भी आरोप लगाने वाले नेताओं से नाम पूछा, किंतु किसी ने नहीं बताया। फिर भी हम इस मामले की जांच कराएंगे। फिलहाल स्टाफ नर्स का अवकाश आवेदन स्वीकृत कर दिया गया है। एडीएम महेंद्र कवचे ने कहा कि भाजपा नेताओं ने सीएमएचओ पर छुट्टी स्वीकृत करने के बदले 30,000 रूपए मांगने के आरोप लगाए हैं। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल सीएमएचओ ने अवकाश स्वीकृत कर दिया है। मामले की जांच कराई जाएगी। छोटे छोटे कर्मचारियों को बड़ी बड़ी राशि की मांग करके और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का केंद्र बना हुआ है एमजी अस्पताल। की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सीएमएचओ की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 4-5 महीने पहले डिलीवरी हुई है। माननीय शिवराज जी ने ऐसी प्रसूति वाली नव प्रसूति वाली महिलाओं को, शासकीय कर्मचारियों को छुट्टी का प्रावधान रखा है। उस प्रावधान के अंतर्गत वो अपनी 20 दिन से आवेदन जिला अस्पताल में दिया था। पहले उसको बताया गया कि कलेक्टर साहब के आदेश है, इसलिए किसी को छुट्टी नहीं मिलेगी। अभी जबकि कई ऐसी स्थिति नहीं है, उसके बावजूद जो लीगल वे में छुट्टी दी जाती है, उसको शासन ने स्वीकृत किया है। उस छुट्टी को भी स्वीकृत करने के लिए वहाँ पर लगातार दूसरे लोगों से भी और इससे भी कहीं ना कहीं पैसे की मांग की है। जब मैंने सीएमओ साहब से बात की तो उन्होंने बोला मेरे पास भेज दो, मैं देख लेता हूँ। सीएमओ के पास जब आवेदन लेके जाती है तो महिला तो बोलते, सीएमओ साहब बोलते हैं कि लीगल वे में आओ, छुट्टी सेंक्शन हो जाएगी। अब लीगल वे कौन सा होता है, आवेदन 20 दिन पहले दिया हुआ है, 20 दिन से जा रहा है, तो निश्चित रूप से एमजी अस्पताल की कई शिकायतें हैं, चाहे प्रसूति वाली महिला हो दूसरी हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस भ्रष्ट अधिकारियों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। हम शिवराज जी से भी मांग करेंगे, माननीय चिकित्सा मंत्री से भी मांग करेंगे, ऐसे सीएमएचओ को तत्काल यहाँ से हटाया जाए। मेरी छोटी गुड़िया है, 6 महीने की है और मैं सरकारी नौकरी में हूँ, एमजी में हूँ, और मैंने आज सीसीएल छुट्टी बढ़ाने के लिए और एप्लीकेशन दी थी, जो कि मैंने 20 दिन पहले दे दी थी। पहले मुझे बोला गया कि आपकी एप्लीकेशन का आपने फॉर्म गलत भरा है जी, आप दूसरा फॉर्म भरिए। मैंने फॉर्म भर के मैंने वापस जमा किया जी। उसको भी बहुत दिन हो गए हैं, पर वो फॉर्म मेरा वैसा का वैसा ही रखा हुआ। उसके बाद शायद और सिस्टर्स हैं, उन लोगों का आगे फॉरवर्ड कर दिया गया, पर मेरा फॉर्म आगे फॉरवर्ड नहीं किया गया। कल मुझे बोला गया कि आप अपना फॉर्म ले जाइए, आप अपने स्तर पर करवा लीजिए। फिर आज सीएमओ सर से, राजेश भैया के थ्रू सीएमओ सर से बात हुई, तो सर ने बोला कि मेरे पास भेज दो। मैं गई तो सर बोल रहे हैं कि आप प्रोसेस वाइज आओ। अच्छा अच्छा। तो फिर मैंने वापस राजेश को, अब प्रोसेस वाइज मैंने ऑलरेडी दे रखा था फॉर्म, जब प्रोसेस वाइज नहीं हुआ, उन्होंने बोला अपने स्तर पे कर लीजिए, तो मैंने अपने स्तर पे कोशिश की करने की। ऐसा सुनने में आया है पैसों की मांग भी की गई है। पैसे वहाँ पे बहुत सीसीएल के लिए पैसे मांगे जाते हैं। कितना पैसे मिनिमम मांगते हैं आपसे? वो कभी 30 होता है, कभी उससे ज्यादा भी होता है, कभी कम भी होता है।